वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लासेस में हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स फ्यूचर वैल्यू को समझा. उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू को भी हमने समझ लिया. इन दोनों को समझने के बाद अब हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इक्वेशन बेस्ड आ ही जाता है पेपर में. तो क्वेश्चन क्या है सामने जरा देखो. आ डेप्ट ऑफ रेट 200 रुपीज ड्यू 2 ईयर्स हैंस. इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 साल के बाद किसी को 200 रुपये देने हैं. कुल मिलाकर के 200 रुपये देने हैं किसी को मुझे. तो मैं हूँ, पहले कहानी समझिए क्या है. ये मान के चलिए मैं हूँ, मेरे पे लोन है. 2 तरीके के लोन है मेरे पे, ठीक है. एक मैं लोन 1 की बात कर रहा हूँ. इसमें मुझे क्या है कि 2 साल के बाद मुझे 200 रुपये पे करने हैं. और मेरे ऊपर जो कर्जा है, एक और कर्जा है लोन 2, जिसमें कि किसी को मुझे 500 रुपये 7 साल में, 7 साल बाद, मैं आज एट प्रेजेंट से ही बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मुझे 500 रुपये उसको पे करना है. अब जब मैं किसी को भी लोन की पेमेंट करूँगा, जो मेरे पे कर्जा है मैं उसको चुकाऊँगा, तो आपको पता है कि मैं ब्याज समेत ही दूंगा उसको. ऐसा तो है नहीं कि मैं ब्याज छोड़ दूंगा. तो कुल मिलाकर के मेरे पे 2 तरीके के लोन है. एक को अगर मैंने 2 साल के बाद 200 रुपये दे दिए तो मैं वहाँ से मुक्त हो जाऊँगा, और एक को अगर मैंने 7 साल के बाद 500 रुपये दिए तो मैं वहाँ से मुक्त हो जाऊँगा. और हुआ क्या मेरे साथ में, मैं सीधा 3 साल के बाद, आज एट अ प्रेजेंट से 3 साल के बाद जगा, और मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अब मेरे पास पैसा आ चुका था 3 साल के बाद. तो मैंने कहा कि अब मैं यार दोनों लोनों को फ्री करता हूँ, मैं अपने कर्जे सारे चुका देता हूँ 3 साल के बाद आज से. तो सवाल है कि कितने रुपए मुझे पेमेंट करने होंगे 3 साल के बाद. अब आपको पता है कि आप बोलोगे सर 500 दो 700 ही कर दो पेमेंट, 700 रुपये कर्जे आपके ऊपर. ऐसे नहीं, 200 रुपये मुझे 2 साल बाद देना है तो उसमें 2 साल का ब्याज है, और एक को मुझे अगर 7 साल बाद 500 रुपये देने हैं तो उसको उसमें फिर 7 साल का ब्याज है ना उसके अंदर. 500 रुपये मुझे देना है पर उसमें 7 साल का ब्याज है. जब मैं 3 साल के बाद पेमेंट करने पहुंचूंगा, मैं अपना कर्जा 3 साल के बाद चुकाऊंगा, तो ये जो है इसको 200 रुपये देने हैं वो 200 रुपये में मानेगा नहीं ना. वो तो बोलेगा 2 साल में आपने 200 देने थे, आप तो 3 साल बाद आ रहे हो, इसको तो 1 साल का और पैसा चाहिए. लेकिन मैं भी 500 रुपये देने के लिए राजी नहीं होऊंगा 3 साल बाद, क्योंकि मैं बोलूंगा भैया मैं तो 7 साल के बाद आपको 500 देने वाला था, मैं तो 3 साल बाद ही आ गया हूँ, तो भैया 4 साल का ब्याज मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ, मैं तो आपको 500 से कम दूंगा. तो कहानी समझ रहे हैं बच्चे क्या, जरा कहानी समझो क्या है. देखिएगा सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 200 रुपये बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 5%. तो 3 साल के बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आफ्टर 3 ईयर्स क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ 3 साल के बाद. अब बच्चे मैं 3 साल के बाद अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो जो 2 साल के बाद मुझे 200 देने थे, इसको मुझे 1 साल का और ब्याज देना पड़ेगा. तो 1 साल का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5% है, तो 0.05 एक साल का ब्याज इसको पे करना पड़ेगा. अब 500 रुपये मुझे 7 साल में बनते थे, लेकिन क्या हुआ बच्चे कहानी कि पैसा 3 साल बाद ही दे रहा हूँ ना मैं, तो कितने साल पहले इसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसको मैं 4 साल पहले पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे इस 700 रुपये को 4 साल पहले लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल बाद 500 की रेट होगा, तो 7 साल बाद, तो उससे 4 साल मुझे पहले लेकर के आना पड़ेगा इस पैसे को, है ना बच्चे. तो 4 साल पहले लेकर के आऊँगा, तो आज से 3 साल बाद एक पैसा कितना रहेगा ये आ जाएगा. बात समझ में आई बच्चे, 3 साल के बाद देने जा रहा हूँ तो 3 साल तो ठीक है, बट मैं 7 साल वाला क्यों दूंगा, उसको 4 साल पहले लेकर आऊँगा. तो इसको प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, 500 1+ आप सॉल्व करेंगे तो 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 और -4 ऐड कर दो, इसको इतना जाना है और यहाँ से इतने हमें इसको देने हैं, दोनों को कितना देना है सॉल्व करेंगे. 200 1.05 + 500 raised to power into 1 upon 1.05 raised to power 4. आगे आप सॉल्व करते हैं. जब कैलकुलेटर आपके पास में हो ना बच्चे, तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं. मैं बार बार ये बात कहता हूँ, 1.05 × 200, तो यहाँ तो बच्चे 210 रुपये बनते हैं अगले के, प्लस 500 अपॉन, अब ये पावर सॉल्व करना पड़ेगा, 1.05 × ये आ गया आपके पास में 1.2155.
एंड इक्वल्स टू 210 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1.2155, 411.35। टोटल कर देंगे 621.35। कुल मिलाकर के अगर मुझे उधारी चुकानी हो तो 621 रुपये में फ्री हो जाऊंगा 3 साल के बाद, मुझे 700 नहीं पे करने होंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आई बात आपको? कोई डाउट? देखिएगा, इन अ रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स। भैया प्रॉमिस करा मैंने किया था किसी को, जो भी पैसा लिया था वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं प्रॉमिस तो मैंने ये करा कि भैया आप प्लीज मुझे जो है 10 साल का समय दीजिए, 10 साल के बाद मैं आपके ब्याज समेत 500 रुपये लौटा दूंगा, ऐसा वचन दिया मैंने उसको। क्या उधार लिया नहीं लिया ये बात की बात है, लेकिन मैं उसको 10 साल बाद 500 रुपये मुझे लौटा देने हैं, उसको कहानी मुझे ख़त्म कर देनी है। लेकिन इस सिस्टम से चला नहीं मैं, मैंने क्या करा, मैंने क्या किया कि मैंने जो 100 रुपये है वो तो स्टार्टिंग में ही, 100 रुपीज़ पे नाउ, मैंने 100 रुपीज़ तो स्टार्टिंग में ही पे कर दिया, और 200 रुपये मैंने जो है आफ्टर 6 ईयर्स के बाद ही मैंने पे कर दिया। तो अब आप भी इस बात को जानते हैं कि अब मुझे इतना पूरा 500 चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें से 100, 200, 300 तो मैं वैसे ही पे कर चुका हूँ। और उसके बाद एक बात समझिएगा, जब 100 रुपये स्टार्टिंग में मैंने पे, जो मेरे को 10 साल बाद 500 पे करना है उसमें तो ब्याज समेत 10 साल का ब्याज लगा हुआ है, तब जाके 500 पे करना है। जब मैं 100 रुपये स्टार्टिंग में ही पे कर रहा हूँ तो फिर मुझे 10 साल का ब्याज इस पर क्यों देने की ज़रूरत है? जब मैं 200 रुपये 6 साल बाद पे कर दिया तो मैंने आगे के 6 साल आगे के मेरे को ब्याज देने की क्यों ज़रूरत है? आप भी इस बात को ज़रा समझिए। चलिए अभी मैं समझाता हूँ, कुछ सारी बातें समझो पहले। देखो बच्चे, और क्या हुआ, मैंने 12 साल ऐसे करा और मैंने 12 साल के बाद मुझे फाइनल पेमेंट कब करा, आफ्टर फाइनल पेमेंट। आफ्टर 12 ईयर्स। चलिए सबसे पहले एक बात समझो कि 500 रुपये तो मुझे उसको देने थे 10 साल बाद, लेकिन क्या हुआ कि मैं 12 साल तक कहानी को लेके गया, तो 12 साल में कितने पैसे उसको देने थे मुझे, तो मुझे सबसे पहले काम करना है क्या, इस 500 रुपये में, ये जो 500 रुपये 10 साल के लिए था बच्चे मेरा, इसको 12 साल तक लेके गया मैं, 12 साल बाद पेमेंट करा, तो मेरा उसके ऊपर कुल उधारी मेरे ऊपर कितनी चढ़ गई मैं पहले देख लेता हूँ। 500 रुपये 10 साल का था, 2 साल मैंने और यूज़ करा, तो 2 साल में कितना मेरे को उसको और बनता है उसका ब्याज समेत। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे 0.02 2 साल का, इतना बनता है उसका पैसा, ठीक है बच्चे। कुल मिलाकर के 12 साल पूरा मैंने टाइम पीरियड ले लिया, पूरी उधारी 12 साल के लेके चला रहा हूँ मैं, कि मैंने फाइन पेमेंट 12 साल करा, तो उसका पैसा इतना बनता था, उसको इतने मुझे चुकाने थे। लेकिन आप एक बात और समझो कि इतना पैसा मुझे उसको कुल चुकाने हैं। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं आप? तो जिसमें कि आप इस बात को भी समझो कि जो 100 रुपये है इस पे मैं 12 साल का इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा, ये 100 रुपये मेरा 12 साल के इंटरेस्ट के साथ में कितना बन जाता है पता लग जाएगा कि 100 रुपये जो था जो स्टार्टिंग पेमेंट कर रहा हूं इंटरेस्ट अगर लगा दो तो 12 साल में कितना बनेगा ये। लेकिन ये मैं क्यों पे करूं इसको जब मैं स्टार्टिंग में पे कर रहा हूं, तो ये इतना मैं क्यों पे करूं, इसमें से माइनस करता हूं मैं, समझ में आया? एंड सेकंड ये भी समझो कि जो 200 रुपये 6 साल बाद दे रहा हूं, लेकिन आगे 12 साल का पूरा हिसाब लेके चल रहा हूं मैं, तो आगे 200 रुपये जब 6 साल बाद मैंने भर ही दिया, भुगतान कर ही दिया, तो आगे 6 साल का ब्याज क्यों दूं मैं इस पे, इस 200 रुपये पे अगले 6 साल का कितना बनता है, इतना ये मैं क्यों दूं अगले 6 साल का 200 रुपये पे, तो 200 रुपये का अगले 6 साल में कितना बन जाता है, ये मुझे क्यों देने की जरूरत है देने की जरूरत, माइनस करो जो जो पैसे पेमेंट जा रहे हैं उसके। क्लियर है, 200 रुपये भी जा रहे हैं और प्लस में 6 साल का ब्याज भी जा रहा है, उसको माइनस करो, ये क्यों दूंगा
अब जो रेस्ट ऑफ पार्ट रह जाएगा इसमें से जो बच गया वो मैं 12 साल बाद उसको चुका दूंगा। समझ में आया आपको बच्चे? तो एक्स इक्वल्स टू 500 1.02 रेस्ट टू पावर 2 100 1.02 रेस्ट टू पावर 12 200 1.02 रेस्ट टू पावर 6। ठीक है, बस अब सॉल्व करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, 1.02 इंटू पावर 2 इंटू 600। 12 है बच्चे पावर, हाँ 2 है सॉरी, इंटू 600। भाई साहब उसके टोटल उधारी मेरे पे चढ़ गई थी इतनी, इतना देना था 12 साल में, लेकिन उसमें से 100 रुपये जब मैंने स्टार्टिंग में दे दिया तो 12 साल के ब्याज समेत 100 रुपये कितना बनता? वो देने की जरूरत नहीं मुझे, उसको मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में पे कर दिया मैंने। तो चलिए 1.02 इंटू, जब तक प्रेस इक्वल करते रहो, 1.02 इंटू इक्वल्स टू, जब तक कि 13 पावर नहीं आ जाए आपके यहाँ पर, कैलकुलेटर में मेंशनड होता है, ठीक है, और इंटू 100, 126.82 माइनस 1.02 इंटू 200 डबल 2 5.23। सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल्स टू 6 है बच्चे, सॉल्व करते हैं 6 24.24 माइनस 126.2 माइनस, तो 272.19। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो ये आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब आप। अ डेब्ट ऑफ रेट 5,000 रुपीज ड्यू 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड द 5,000 रुपीज ड्यू 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज टू बी रिपेड बाय द पेमेंट ऑफ द 2,000 इन अ 2 ईयर्स, अ पेमेंट ऑफ द रेट 4,000 इन अ 4 ईयर्स एंड अ फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। तो बस फाइनल पेमेंट देखो आप, 6 साल के बाद है तो 5,000 रुपये भी 1 साल का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे? और 6 साल का फाइनल पेमेंट है तो जो 10 साल का 5,000 जा रहा है उसमें से 4 साल आपको माइनस करना पड़ेगा, इतना फाइनल पेमेंट बनता है। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को जल्दी, फटाफट करो, आप ट्राई करेंगे पहले, चलो आप समय लो। हेलो, देखो बच्चे बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले आ डेब्ट ऑफ द 5,000 रुपीज ड्यू 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एक पैसा है जिसको कि आपके उधार हैं, डेब्ट है, तो आपको 5 साल बाद आज से 5,000 पे करना है। अपने माइंड में रख लो भाई, जो उधार चुकाना है सो याद रहना चाहिए। और फ्रॉम नाउ एंड द 5,000 रुपीज ड्यू ऑन अ 10 ईयर्स, और आपको पता है कि और आज से 10 साल बाद आपको किसी के 10,000 भी चुकाने हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। और आपने कर्जा लिया और आपको मालूम है एक को मुझे 5 साल बाद 5,000 दे देने और एक को मुझे 10 साल बाद 10,000 रुपये, सॉरी 5,000 फाइव ईयर फ्रॉम नाउ एंड 5,000 फ्रॉम द 10 ईयर, ठीक है। तो भैया एक को मुझे 5,000 रुपये 5 साल बाद चुका देना है और एक को मुझे 5,000 रुपये ब्याज समेत मिला मुलू करके 10 साल बाद मुझे चुका देना है, ये मेरी उधारी है। तो बस सिंपल सी कहानी है, 5 साल बाद उसके पास जाता, उसके 5,000 दे देता और ब्याज समेत चुक जाता वो भी, और एक दूसरे के पास जाता 10 साल बाद 5,000 उसको पे करता, ब्याज समेत उसका भी चुक जाता, कहानी खत्म जाती है। लेकिन मैंने बीच में पेमेंट का तरीका बदल दिया। क्या मैंने पेमेंट कैसे करा, रीपेड बाय अ पेमेंट ऑफ द 2,000 इन अ 2 ईयर एंड अ पेमेंट ऑफ द 4,000 इन अ 4 ईयर एंड अ फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो फाइनल पेमेंट पे फोकस करो, क्वेश्चन को 6 साल पे लेकर आना है, एट द एंड ऑफ फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 ईयर। तो कहानी सारी 6 साल की होनी चाहिए। तो 6 साल में मेरा कर्जा कितना बनता है, पहले उस कर्जे को मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट, 6 साल के बाद वाला कर्जा। तो ये 5 साल बाद 5,000 देने,
तो बच्चे मुझे इस पे एक साल का, कोई 6 साल बाद फाइनल पेमेंट करूँगा तो इसके ऊपर एक साल का ब्याज लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%। पहली बात, ये 10 साल बाद चुकाने थे, तो आपको मालूम है कि भैया 10 साल तो अब जा नहीं रहा मेरे पैसा, 6 साल अब तो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ उसको, तो क्यों मैं 10 साल के बाद 5,000 उसको पे करूँगा? 4 साल का ब्याज तो कम करूँगा, तो मतलब उसको प्रेजेंट में लेकर आ रहा हूँ मैं 4 साल, क्योंकि भैया 6 साल बाद फाइनल हिसाब हो रहा है, 10 साल के बाद वाला पेमेंट था, तो 4 साल इसको पीछे खींच के लाऊंगा प्रेजेंट में। -4, ठीक है बच्चे, ये कुल मेरा जो है 6 साल बाद मेरा इतना उधारी बनता है, इसको दे करके मैं मुक्त हो सकता हूँ। और मेरे पेमेंट के तरीके क्या रहे उसको जरा समझिए। पेमेंट 2,000 रुपीज़ इन अ 2 ईयर्स, 2 साल में मैंने 2,000 रुपये दे दिए, तो भैया जो ये 2 साल में दे दिए, जो दे दिए सो दे दिए, लेकिन जो इस पे जो अगले 4 साल का ब्याज मेरा लगा हुआ है, क्योंकि 6 साल फाइनल पेमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले 2,000 रुपये अगले 4 साल में कितना बन जा रहा था वो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे? और अ पेमेंट ऑफ 4,000 इन 4 ईयर, 4,000 रुपये जब 4 साल में चुकता कर दिए मैंने, तो 6 साल में फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो इस पे जो 2 साल का मेरा अब इंटरेस्ट जा रहा था अब वो देने की जरूरत मुझे नहीं है। 4,000 रुपये पर 2 साल का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब जो बच गया भैया वो 6 साल बाद आप दे करके आप फ्री हो जाओ। क्लियर है? चलो करें, तो 1.07 इंटू 5,000, ठीक है बच्चे, 5,350 प्लस 5,000 अपॉन 1.07 रेज टू पावर 4 माइनस 2,000, इसको कर लेते हैं 1.07 इंटू 2,000, 2,621.59, 1.07 इंटू इक्वल्स टू इंटू ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो देखो 1.07 इंटू इक्वल्स टू इंटू 4,000, तो 4579.6। अब यहाँ देखें आप, 5,350 ये पेमेंट बनती है, और 5,000 अपॉन 1.07 इंटू 1.3107 माइनस 2,621.59 माइनस 4,579.6, ठीक है बच्चे, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1.3107 3,814.75 माइनस 2,621.59 एंड माइनस 4,579.6। सॉल्व करते हैं, 5,350 प्लस 3,814.75 माइनस 2,621.59 माइनस 4,579.6, तो फाइनल पेमेंट आपकी 1,963.56 की ही मात्र रह जाती है। क्लियर है बच्चे? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से और आसान सी भाषा से समझा पाऊँ। देखो, द सम ऑफ रेट 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज आर ड्यू एट द एंड ऑफ द 2, 4 एंड 8 ईयर। एक उधारी 2,000 बाद 2 साल बाद चुकानी थी 2,000 के रूप में, एक 4 साल बाद चुकानी थी 3,000 के रूप में, और एक 8 साल बाद चुकानी थी 4,000 के रूप में। इट पहला
प्रपोज टू द रिप्लेस दिस सीरीज ऑफ पेमेंट बाय द सिंगल सम ऑफ द 9,000 रुपीज पेबल, सीधा सीधा 9,000 पेबल एट द एंड ऑफ द एन ईयर्स। फिर 9,000 रुपये में मामला रफा दफा कर दिया मैंने कुछ समय बाद। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज द 10% पर एन एम इफेक्टिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो कितने साल बाद ये मामला रफा दफा हुआ, क्लियर है बच्चे? तो मतलब कि इसको कुल मिला जुला करके मुझे इसको 9,000 रुपये पर लेकर के आना है, तो वो कितने साल के बाद ऐसा मैंने किया। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट क्लास से पहले रख दूंगा और आपका ये हो जाएगा।